राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैली हुई थी। एक बार देवराज इंद्र ने उनकी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने विक्रमादित्य के पास मिट्टी की 3 मूर्तियां भिजवाई और उनसे अच्छी तरह जांच परख करने के बाद उन मूर्तियों का मूल्य बताने के लिए कहा। राजा ने अपने सभी दरबारियों के सामने मूर्तियां रखवाकर उनसे उनके मूल्य के बारे में पूछा। मूर्तियां बिल्कुल एक समान थीं, आकार में भी तथा रंग रूप व रचना में भी। सभी दरबारी असमंजस में पड़ गए थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। थोड़ी देर तक मौन रहने के बाद एक दरबारी ने साहस करके राजा से कहा, महाराज, हमें कुछ समय इन मूर्तियों के साथ एकांत में रहने की आज्ञा दीजिए, तब संभवतः हम कुछ जान पाए। राजा ने सभी दरबारियों को अगली सुबह दरबार में हाजिरी लगाने के लिए कहा और वे अपने शयन कक्ष में चले गए। अगली सुबह राजा विक्रमादित्य दरबार में आए और उस दरबारी को फिर से मूर्तियों के मूल्य के बारे में जानकारी देने के लिए कहा। दरबारी मूर्तियों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज, इनमें से ये बाईं ओर वाली मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपए है। दाईं ओर रखी मूर्ति का मूल्य 2 कौड़ी से अधिक नहीं है तथा बीच में रखी हुई मूर्ति अनमोल है। उसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। राजा को ये सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने दरबारी से पूछा, तुम इन मूर्तियों के मूल्य के बारे में इतने विश्वास के साथ कैसे बता रहे हो? क्या तुम इस विषय में कोई प्रमाण दे सकते हो? जी महाराज, मैं ये बात आपको सिद्ध करके बता सकता हूँ। दरबारी ने आत्मविश्वास के साथ कहा। सभी सभासद मौन तथा मूक दर्शक बनकर बैठे थे तथा पूरी कार्यवाही देख सुन रहे थे। तभी उस दरबारी ने एक मूर्ति के कान में एक लंबी डोरी डाली। वह डोरी उसके मुंह से बाहर निकल आई। ये बाई ओर वाली मूर्ति थी। दरबारी ने बताया, महाराज, इसके कान में डोरी डालने से वह इसके मुंह से बाहर आ गई। अर्थात इस प्रकार का मनुष्य अवश्य कान का कच्चा होगा। जो भी ये कान से सुनेगा वह अवश्य मुंह से कह देगा। इसलिए इस मूर्ति का मूल्य 10,000 रुपए है। महाराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब दरबारी ने बीच वाली मूर्ति के कान में डोरी डाली तो वह कहीं से भी बाहर नहीं आई, बल्कि अंदर ही रह गई। दरबारी ने बताया, महाराज, ऐसा मनुष्य बहुत गंभीर प्रवृत्ति वाला होता है और किसी भी बात को इधर उधर नहीं कहता, अपने अंदर ही रखता है। अतः ये मूर्ति अनमोल है। अब उस दरबारी ने दाईं ओर वाली तीसरी मूर्ति के कान में डोरी डाली तो वह उसके दूसरे कान, नाक तथा मुंह सब जगहों से बाहर आ गई। उसे देखाकर दरबारी ने कहा, महाराज, ये मूर्ति तो 2 कौड़ी से अधिक की नहीं है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कोई भेद नहीं रख सकता, इसलिए किसी काम का नहीं। अब महाराज को उन मूर्तियों का रहस्य समझ में आ गया था। उन्होंने उत्तर के साथ 3 मूर्तियां देवराज इंद्र को भिजवा दी। इंद्र ने प्रसन्न होकर राजा विक्रमादित्य के राज्य में खूब धन धान्य की वर्षा की।